वेलकम टू स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है परमार वंश। आज हम देखते हैं कि परमार वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका उत्कर्ष कहाँ तक पहुँचा और इनके पतन के बारे में कौन कौन से कारण उत्तरदायी हुए। इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त करने वाले सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। उसी तरह से परमारों की भी उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत के द्वारा ही बताया जाता है। इसके बारे में एक कथा बताई गई है। इसके बारे में बताया गया है कि एक ऋषि थे जिनका के नाम था वशिष्ठ और वो इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित थे और उनके पास एक बहुत ही दुधारू गाय थी जिनका के नाम था कामधेनु। एक दिन क्या हुआ कि कामधेनु गाय चोरी हो गई और विश्वामित्र नामक एक अन्य ऋषि ने उनकी कामधेनु गाय को चुरा लिया था। तो वशिष्ठ ने गाय को प्राप्त करने के लिए क्या किया कि आबू पर्वत के पास एक यज्ञ का आयोजन किया और जब उन्होंने उस यज्ञ में अपने गाय को वापस पाने के लिए आहुति डाली तो उसी आहुति से एक वीर का उत्पत्ति होता है, एक धनुर्धर वीर उत्पन्न होता है। और उसने क्या किया, विश्वामित्र को परास्त किया, विश्वामित्र को हरा करके वशिष्ठ की जो गाय थी उसे पुनः वशिष्ठ को सौंप दिया गया। इससे वशिष्ठ बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने क्या किया कि इसका नाम रख दिया परमार, उस धनुर्धर का नाम रख दिया परमार। परमार का अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला। इसकी इस कथा के बारे में एक और राजकवि पद्मगुप्त राज जो एक राजकवि थे सिंध राज और मुंज दोनों के समय के, तो उनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई है। उसका नाम है नव सहसांक चरित जो ग्रंथ है उसमें भी परमार वंश की जो उत्पत्ति है वो आबू पर्वत से बताई जाती है। तो इस तरह से इस वंश का नाम परमार वंश रख दिया गया और इसके बारे में उल्लेख धनपाल कृत तिलक मंजरी और परमार वंश के उदयपुर, आबू पर्वत, वसंतगढ़ और आदि स्थानों से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन सभी में परमारों की उत्पत्ति के संबंध में इसी कथा का विश्लेषण किया गया है, इसे ही बताया गया है। परमारों की उत्पत्ति के संबंध में एक तो ये है, दूसरा मत है गौरीशंकर ओझा। गौरीशंकर ओझा ने इस बारे में उनकी उत्पत्तियों के बारे में कहा है कि इस वंश का जो आदि पूर्वज थे धूमराज परमार वंश के आदि पूर्वज के रूप में जाने जाते हैं, तो उनका संबंध अग्नि से था। क्योंकि उनका संबंध अग्नि से था इसीलिए इस वंश को एक अन्य नाम भी दिया गया है और उसे कहते हैं अग्निवंशी। यानी कि अगर परमारों के बारे में बात करें तो उन्हें ब्रह्मक्षत्रिय के अलावा अग्निवंशी, कुछ इतिहासकारों द्वारा अग्निवंशी स्वीकार किया गया है लेकिन इसे बहुत ज़्यादा प्रामाणिकता नहीं मिली है। हलायुद्ध एक अन्य साहित्यकार थे जो कि इसी परमार वंशी शासकों के ही राजदरबार में रहते थे, उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, उसका नाम है पिंगल सूत्र वृत्ति। पिंगल सूत्र वृत्ति में उन्होंने ब्राह्मणों को ब्रह्मक्षत्र कुलीन बताया है। ब्रह्मक्षत्र कुलीन का मतलब ये हुआ कि उनकी उत्पत्ति यानी कि उनका जो जन्म हुआ है पहले ब्राह्मण कुल में हुआ था लेकिन उन्होंने फिर जो है ना क्षत्रियों के कार्य को अपना लिया जिस कारण से कि वे क्षत्रिय वंश के हो गए और उनका नाम पड़ गया ब्रह्मकुलीन। परमार भी अपना संबंध वशिष्ठ से जोड़ते थे क्योंकि चूंकि सभी जानते हैं वशिष्ठ ब्राह्मण थे, ब्राह्मण धर्म से जुड़े हुए थे तो ब्राह्मण ही थे और अगर परमारों और वशिष्ठ के बीच कोई संबंध है तो परमारों की जो प्रारंभिक उद्गम वंश की बात करें तो वो ब्राह्मण ही होगा लेकिन बाद में क्षत्रियत्व को प्राप्त किया गया इसलिए इन्हें ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है। इस वंश का जो बहुत पहले के राजा थे उनका नाम था उपेंद्र, कहीं कहीं इनका नाम उपेंद्र कृष्णराज साथ साथ लिखा रहता है। उनका एक लेख है उदयपुर अभिलेख, उसमें इन परमारों को द्विज वर्ग रत्न कहा गया है। द्विज वर्ग रत्न का मतलब हो गया दो वर्गों का रत्न, यानी कि अगर ब्राह्मण हुए एक तरफ तो ब्राह्मण और दूसरी तरफ क्षत्रिय, दोनों वंशों के जो रत्न महत्वपूर्ण रत्न के रूप में ये जाने जाते हैं। पूर्व मध्यकाल में ब्रह्मक्षत्र परंपरा के व्यापक प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि सिर्फ परमार ही नहीं कई अन्य और भी जो लोग हैं उनका भी वंश ब्रह्मक्षत्र कहलाए। ब्रह्मक्षत्र इसी कारण कहलाया क्योंकि जो ब्राह्मण होते थे बाद के समय में उन्होंने क्या किया क्षत्रिय के धर्म को अपना लिया और एक नए वंश की स्थापना की और वो कहलाया ब्रह्मक्षत्रिय वंश। परमारों का इतिहास, अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो उसकी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं अभिलेख, साहित्य और विदेशी विवरण।
अभिलेख चूंकि इस समय तक के जो शासक वर्ग हुआ करते थे वे अपने बारे में लोगों को बताने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हुआ होते रहते थे। वे जो भी विजय प्राप्त करते किसी भी जगह कोई भी युद्ध किया करते तो उसके बदले में अपना एक निशान जरूर छोड़ते थे, जैसे कुछ उपाधियां धारण करते थे। कुछ शासक वर्ग क्या करते थे, विजय स्तंभ की स्थापना करते थे, कुछ नए नए नगरों का निर्माण करते थे। तो उसी तरह से अभिलेखों का भी निर्माण किया गया। और चूंकि उनके साम्राज्य में कला और साहित्य की बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था, तो जो जो भी साहित्य समकालीन समय में लिखा जाता था तो उसमें इन वंशों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाती थी। इसके अलावा विदेशी विवरण भी देखने को मिलती हैं बाहर से, जो भी उस समय जैसे कि मुसलमान लेखक काफ़ी ज़्यादा आते जाते रहते थे। तो विदेशियों के आने से उन्होंने जो भी अपने आसपास देखा तो उन सबको उन्होंने अपने ग्रंथों में समाहित किया था। इस आधार पे हम जब तीनों चीज़ों को देखते हैं तो इस वंश के इतिहास के बारे में प्रचुर मात्रा में जानकारी मिल जाती है। सबसे पहले अभिलेख की बात करें तो परमार वंश का जो सबसे पहला अभिलेख है वो सीयक द्वितीय के हसोल अभिलेख के नाम से जाना जाता है, और इसका जो काल है वो करीब करीब 948 ईस्वी माना गया है। और चूंकि ये सबसे पहला अभिलेख है इसलिए प्रारंभिक जो भी इतिहास है परमार वंशों के बारे में वो हमें इसी अभिलेख से प्राप्त होता है। इसके अलावा बाद के शासकों में बहुत सारे अभिलेख साहित्य बहुत सारी चीज़ें आईं, उनमें बहुत सारे लेखकों का जिक्र किया जाता है, जैसे कि वाक्पति मुंज। वाक्पति मुंज जो इस वंश के सबसे प्रभावशाली बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, उनका उज्जैन अभिलेख, भोज के बांसवाड़ा अभिलेख, बेतमा के अभिलेख, उदयपुर प्रशस्ति, लक्ष्मण देव का नागपुर प्रशस्ति आदि का उल्लेख किया जाता है। यानी कि हम लोग देखें तो यहाँ पर उल्लेखों की एक बहुत बड़े मात्रा में अभिलेख मौजूद हैं जो कि सटीक सटीक जानकारी देने के लिए काफ़ी हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशस्ति है जो भिलसा के समीप उदयपुर नामक स्थान के नीलकंठेश्वर मंदिर के पास एक शिलापट के ऊपर उत्कीर्ण है। इस नीलकंठेश्वर मंदिर धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो वहाँ पर जो शिलापट है, शिलापट को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि शिलाओं पर जो भी चीज़ें एक बार उत्कीर्ण कर दी जाती है बाद के समय में उसमें कोई भी बदलाव करना नामुमकिन सा होता है। इसलिए पहले जब शिलालेख पर उगाया जा रहा था उस शिलालेख में जो भी वंशावली दी गई है उस वंशावली के अनुसार उनके जो उत्कर्ष दिए गए हैं तो उनमें बाद के समय में अगर किसी राजा के मन में छेड़छाड़ की भावना भी आती है तो उसे बदला नहीं जा सकता है। इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। इस वंशावली में परमार वंश के शासक और उनका उपलब्धियाँ वो सभी चीज़ों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मतलब कि उपलब्धियाँ जो कि साहित्यिक और अभिलेखी स्रोतों के रूप में मौजूद रहती है तो उसमें पद्मगुप्त द्वारा जो रचित है नवसहसांग चरित साहित्य में इस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी वंशावली के बारे में कहा जाता है कि ये पूरी तरह से सटीक है, इसे प्रामाणिकता प्राप्त है। पद्मगुप्त परमार नरेश वाक्यपति तथा सिंधु राज का राजकवि था। पद्मगुप्त वो राजकवि था जिन्होंने कि दो शासकों के शासनकाल में साथ साथ राजकवि के पद को होल्ड किया था, जैसे कि वाक्यपति मुंज और सिंधु राज। चूँकि देखें तो वाक्यपति मुंज और सिंधु राज दोनों ही आपस में भाई थे और दोनों का जो समय काल था वो बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं था, तो उस समय काल में पद्मगुप्त दोनों भाइयों के राजकवि के रूप में काम किया करते थे। और इनके द्वारा जो भी ग्रंथ लिखा गया है उसमें इन्होंने अपने शासक वर्ग जो थे जैसे कि वाक्पति मुंज और सिंधु राज इनकी भरपूर मात्रा में प्रशंसा की है और इसके वंश से जुड़ी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को भी उल्लेखित किया है। हर्षचरित की प्रकृति की यह एक चरित्र काव्य ही है, यानी कि इसे देखा जाए तो ये काव्य के रूप में मौजूद है। इसके अतिरिक्त जैन लेखक मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया है प्रबंध चिंतामणि में मेरुतुंग ने परमार वंश के इतिहास और गुजरात के जो चालुक्य शासक थे उनके बीच के जो संघर्ष थे, जो भी संबंध स्थापित हुए उसके बारे में बताया है। वाक्पति मुंज और भोज दोनों ही विद्वानों के बहुत बड़े संरक्षक थे क्योंकि ये खुद ही एक बहुत बड़े विद्वान और कवि थे, इसलिए इन्होंने अपने शासनकाल में साहित्य और
विद्वानों को बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया था। यही दोनों वे शासक थे जिनके काल में बहुत सारे ग्रंथों, महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई थी, जिससे उस समय के तत्कालीन समाज और संस्कृति के बारे में पर्याप्त पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर मुस्लिम लेखकों की बात करें तो मुस्लिम लेखकों ने भी परमार वंशों के गुणों की बहुत बहुत ज़्यादा भरमार करके रखा है। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अबुल फजल, अबुल फजल के द्वारा जो लिखी गई है आईने अकबरी, अलबरूनी और फरिश्ता, इन सब का जो विवरण दिया गया है वो भी बहुत ज़्यादा उल्लेखित है। इन सभी चीज़ों में ना परमार वंशों के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई है। परमार वंश की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो करीब करीब 10वीं सदी के आसपास में मानी जाती है, और इसके प्रथम जो प्रथम शासक उपेंद्र अथवा कृष्णराज के नाम से जाना जाता है। कृष्णराज को चूँकि इस वंश का सबसे प्रथम राजा माना जाता है, लेकिन एक यह भी बताया जाता है कि ये स्वतंत्र शासक के रूप में काम नहीं कर रहे थे। इनकी जो नगरी थी धारा नगरी परमार की प्रथम राजधानी थी। उदयपुर के लेख से पता चलता है कि उसने स्वयं अपने पराक्रम से राजत्व का उच्च पद प्राप्त किया था। उच्च पद का मतलब हो गया कि उच्च पद सबसे बड़ा पोस्ट किसका होता है, राजा का होता है। लेकिन अगर कोई अपने कर्मों के कारण उच्च पद को प्राप्त करता है, इसका मतलब कि वो किसी राजा के अधीन पहले हुआ करता था, जो कि बाद में अपने आप को प्रूफ करने के बाद उसका प्रमोशन होता गया और उसे उच्च पद यानी कि सामंत के पद पर स्थापित किया गया। तो इससे इस बात की जानकारी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि उपेंद्र जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र शासक के रूप में काम नहीं कर रहे थे, लेकिन यह कुछ कहीं देखने को मिला है कि उपेंद्र का अधिकार मालवा पर भी था। इस समय के राजनीतिक वातावरण की बात करें तो वो काफ़ी संघर्षपूर्ण था। चारों तरफ अराजकताएं फैल रही थी, आपसी वैमनस्यता काफ़ी बढ़ गई थी। शासक वर्ग जो हुआ करते थे वे अब साम्राज्यवादी नीति में इतनी ज़्यादा लीन हो गए थे कि अपने आसपास के राजाओं के ऊपर भी संघर्ष किया करते थे। और इनमें दो वंशों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है, जैसे कि प्रतिहार और राष्ट्रकूट। प्रतिहार और राष्ट्रकूट वे ऐसे राष्ट्र वंशों के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने कि तत्कालीन समय में प्रतिहार नरेश और राष्ट्रकूट नरेश आपसी संघर्ष में बहुत ज़्यादा लीन हुआ करते थे, क्योंकि ये दोनों ही साम्राज्यवादी नीति के समर्थन में थे। लेकिन इनमें राष्ट्रकूटों की शक्ति काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। राष्ट्रकूटों की बात करें तो उनका जो राज्य है वो दक्षिण की तरफ था और प्रतिहारों का उत्तर की तरफ। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि राष्ट्रकूट अपने साम्राज्यवादी नीति को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने क्या किया कि बंग के यानी जहाँ की प्रतिहारों के साम्राज्य हुआ करता था, जिसे कि आधुनिक समय में अभी के समय में हम बंगाल के नाम से जानते हैं, पहले के समय में गौर कहा करता था, और तो वहाँ पर प्रतिहारों का शासन हुआ करता था। और उस समय क्या होता है, वत्सराज नाम के प्रतिहार एक शासक थे जिनके ऊपर की राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने आक्रमण किया था, और उस आक्रमण में ध्रुव ने वत्सराज को बहुत बुरी तरीके से पराजित भी कर दिया था। कहा जाता है कि वत्सराज इतनी बुरी तरीके से पराजित हो गया था कि उसे शरण लेने के लिए मरुस्थल जाना पड़ा। कुछ समय के लिए उन्होंने अपने कुछ समय का जीवन मरुस्थल में बिताया, जहाँ के एक पराजय के बाद तो वो गए ही, आत्मग्लानी के बाद गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बाद के समय में उन्होंने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और फिर राष्ट्रकूटों से लोहा लेने के लिए वापस भी आए। इस तरह से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रकूट और प्रतिहार इनके बीच के जो संघर्ष हैं उसके कारण दो क्षेत्रों के बीच अराजकता फैल रही थी, क्योंकि युद्ध का जब समय होता है तो आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति जो होती है, प्रगति में रुकावट सी आ जाती है। बाद के राष्ट्रकूट शासकों में देखें तो गोविंद त्रिती का नाम आता है। गोविंद त्रिती के उत्तरी अभियान के दौरान राष्ट्रकूटों की अधीनता स्वीकार कर ली। परमारों की बात करें तो परमार के बारे में एक बात कहा जा सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा समय के अनुकूल चलने वाले शासकों में से थे। जैसे कि जब प्रतिहारों की शक्ति उत्कर्ष पे रहती थी तो परमार प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार कर लेते थे, लेकिन जब राष्ट्रकूट नरेश आते थे और राष्ट्रकूटों की प्रतिष्ठा और वो शक्ति जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी तो परमार राष्ट्रकूटों की अधीनता स्वीकार कर लेते थे। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इस समय तक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली शासक के रूप में नहीं थे वे लोग।
लेकिन नागभट नागभट जो कि एक प्रतिहार शासक था, नागभट के समय में क्या हुआ कि जब प्रतिहार शक्तिशाली हुए तो उपेंद्र और उसके अधिकारी, उपेंद्र क्या थे, उपेंद्र परमार शासक थे और उसके उत्तराधिकारी, उन दोनों ने परमारों की शक्ति को देखते हुए उनका लोहा मान लिया और उसके अधीन हो गए। पद्मगुप्त ने उपेंद्र की प्रशंसा की है, बहुत ज़्यादा तारीफ की है और उसने कहा है उपेंद्र के बारे में कि उसने राजा ने प्रजा के अनेक करों में छूट कर दी तथा वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया। यानी कि अगर उपेंद्र राजा की बात करें तो पद्मगुप्त के अनुसार वे ब्राह्मण धर्म को मानते थे और उन्होंने आम जनता को करों से थोड़ा सा रिलीफ दिया था। बहुत सारा कर ऐसे थे जिनका कि रेट बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था, उसे कम कर दिया और कुछ करों को तो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। इसके अलावा यज्ञों का अनुष्ठान किया, यानी कि धार्मिक दृष्टि से वे काफ़ी ज़्यादा क्या थे, धार्मिक दृष्टिकोण रखते थे। यज्ञों का अनुष्ठान किया यानी कि ब्राह्मण धर्म को उन्होंने प्रश्रय दिया। उपेंद्र के बाद बहुत सारे छोटे छोटे शासक हुए जिनमें कि वैरीसिंह प्रथम, सीयक प्रथम, वाक्यप्रति प्रथम और वैरीसिंह द्वितीय के नाम मिलते हैं। इन्होंने लगभग 790 से लेकर के 945 ईस्वी तक शासन किया था और इसकी स्थिति सामंतों की जैसी थी। चूँकि ये बार बार प्रतिहारों या फिर राष्ट्रकूटों की अधीनता स्वीकार ही कर लेते थे, इसका मतलब कि ये सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे और सामंतों की जो स्थिति होती है सामंत शासकों की, उस हिसाब से ये लगान वगैरह, लगान कर, जो भी राजस्व उगाही होती थी उन सभी चीज़ों को ये राष्ट्रकूट या फिर प्रतिहार, इन दोनों में से एक राजाओं को भेजते रहते थे। और इस समय में देखा जाए तो इनकी इस स्थिति से यह अनुमान लगाया जाता था कि इनकी विशेष उपलब्धता तो प्राप्त नहीं होती है बल्कि अधीनता के बारे में साफ साफ जानकारी मिलती है। इसके बाद आते हैं हर्ष, हर्ष या फिर सीएन द्विती, सीएन को कहीं कहीं सीएक भी लिखा गया है। हर्ष, श्री हर्ष के बारे में कहा जाता है कि श्री हर्ष पहले वे शासक थे जिन्होंने कि परमारों के स्वतंत्र स्वतंत्र शासक वर्ग का उदय किया और इनके पिता का नाम था द्वितीय वैरी सिंह। हर्षरी हर्ष द्वितीय वैरी सिंह के बेटे थे और उनके उत्तराधिकारी भी थे। वैरी सिंह के समय में क्या हुआ था, वैरी सिंह के समय में हुआ था कि प्रतिहारों ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। चूँकि पहले देखने को मिला कि प्रतिहारों का जो है शासन मालवा के क्षेत्रों पर था, लेकिन यहाँ बाद के समय में क्या हुआ कि प्रतिहारों ने मालवा पर अधिकार कर लिया, परमारों को मांडू और धारा से निर्वासित भी कर दिया और ऐसा माना जाता है कि परमारों को भागकर राष्ट्रकूटों के यहाँ शरण लेनी पड़ी। क्योंकि उस समय दो ही शक्ति भारत में, दो शक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, एक प्रतिहार और दूसरा राष्ट्रकूट। तो चूँकि जब प्रतिहारों ने परमारों को भगा दिया तो वे कहाँ जाते, वे एक बड़ी शक्ति के अधीन आना चाहते थे तो उन्होंने राष्ट्रकूटों के यहाँ शरण ली। चूँकि आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो परमार, राष्ट्रकूट और प्रतिहार इन दोनों के अधीनता से बाहर निकलना चाहते थे, मुक्त कराना चाहते थे अपने आप को और इस कामना की पूर्ति के लिए श्री हर्ष ने बीड़ा उठाया और उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को ही ध्यान दिया। कुछ समय बाद क्या हुआ कि प्रतिहारों की जो इतने बड़े राष्ट्र के रूप में जाने जाते, इतने बड़े शक्तिशाली वंश के रूप में जाने जाते थे, राष्ट्रकूटों ने उन्हें आंतरिक तरीके से कमजोर कर दिया और उन्हें पतनोन्मुख स्थिति में ला दिया। और जब एक तरफ वो प्रतिहार पतन की ओर जाने लगे तो श्री हर्ष को यानी कि परमारों को अपनी शक्ति को बढ़ाने और उसे अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का बहुत सुनहरा अवसर मिल गया और इसका सीएक ने बहुत ही अच्छे से फ़ायदा भी उठाया। उसने क्या किया कि अपनी शक्ति को बढ़ाकर बहुत सारे विजय अभियान प्रारंभ कर दिए। इस विजय अभियानों के बारे में बताया जाता है कि हर्षूल का एक लेख है उसमें कि योगराज नामक किसी शत्रु को परमार ने सीएक ने पराजित किया था, लेकिन इसके बारे में कौन ये योगराज नामक जो शत्रु थे वे कहाँ से बिलोंग करते थे और किस वंशावली के थे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। नहसांग चरित में उसे होन मंडल का विजय का भी श्रेय प्रदान किया गया। यानी कि अगर सीएक की बात करें तो पता चलता है कि उसने बहुत सारे शासकों के ऊपर भी विजय प्राप्त किया था और इसकी जानकारी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उदयपुर की प्रशस्ति और नवसहसांग चरित जो कि पद्मगुप्त के द्वारा लिखा गया था उसके
इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद सीए की बात करें तो इन्हें एक और उपलब्धि से नवाजा गया है। इन्होंने हून के राजकुमारों को हत्या किया था और उसकी रानियों को विधवा बना दिया गया था। हून मंडल से यहाँ कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश के इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्र, जिसे कि सीएक ने अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया था। यहाँ तक कि जिजाक भुक्ति के जो चंदेल हैं, उन्हें आगे बढ़ने से भी, उनका जो साम्राज्य नीति था, साम्राज्यवादी नीति के जो प्रवर्तक थे, तो उन्हें आगे चंदेलों को आगे बढ़ने से भी रोका था। यशोवर्मन जो कि एक चंदेल शासक थे, यशोवर्मन के बारे में कहा जाता है कि सीएक ने यशोवर्मन को भी पराजित किया था और इस विजय जो मिला था उसके बारे में कहा जाता है काल वन माल वामान, काल माल वन ला मा वान, सॉरी, ऐसा माना जाता है कि यशोवर्मन ने परमार राज्य कि किसी भाग पर अधिकार नहीं किया था। उसने केवल एक युद्ध करके परमारों को आतंकित करने के लिए ही किया था, यानी कि उनका उनके बीच जो भी युद्ध हुआ था उसका साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से कोई खास महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। उन्होंने आक्रमण किया था ताकि बस वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते। लेकिन सीएक की अगर सबसे बड़ी बात करें तो सीएक का जो युद्ध हुआ था वो राजकूट नरेश खोडिक के साथ हुआ था, खोडिक के साथ हुआ था और उसमें खोडिक पराजित भी हो गए थे। तो एक तरह से देखा जाए तो जब परमार पहले के समय में देखने को क्या मिलता है कि परमार जो है राष्ट्रकूटों के अधीन थे, और बाद जब सीएक के समय में आते हैं तो राष्ट्रकूटों को सीएक के द्वारा हार मिलती है। सीएक ने नर्मदा नदी के तट पर राष्ट्रकूट नरेश खोडिक के साथ युद्ध किया और उसे पराजित किया। उसने क्या किया, राजकूट नरेश जो खोडिक थे उसका उसकी राजधानी जो कि उससे तत्कालीन राजधानी थी मानिकखेत तक पीछा किया और वहां से बहुत सारी धन संपदा को भी लूट लिया था। खोडिक के साथ उनके युद्ध की, सीएक के युद्ध की बात करें तो सीएक ने यहाँ तक किया था कि एक तो मानिकखेत तक खोटिक को खरीद दिया था, दूसरा उसके राज्य में बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाई, और तीसरा कि वहाँ के जो म्यूजियम हुआ करते थे उनमें जो भी चीज़ें सुरक्षित रखी गई थी उन सबको भी उठा ले गया। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस संघर्ष में सिया का एक सेनापति मारा गया और एक लेख की चर्चा मिलती है जो कि गोविंद चतुर्थ, राष्ट्रकूट नरेश गोविंद चतुर्थ के जो लेख है उसी के ऊपर एक और मुंज ने अपना लेख खुदवाया था। मुंज जो कि बाद के शासकों में आते हैं उसने गोविंद चतुर्थ के लेख के ऊपर ही अपना लेख खुदवाया था। इसके अलावा अन्य लेखों की बात करें तो उदयपुर का जो लेख है इस विजय का उल्लेख अत्यंत काव्यात्मक ढंग से दिया है, यानी कि उदयपुर के लेख में काव्यों का इस्तेमाल किया गया है विजय को दर्शाने के लिए, और उसमें बताया गया है कि सीएक ने भयंकरता में गरुड़ की तुलना एक गरुड़ से की है। सीएक और खोटिक द्वितीय की अगर बात करें तो सीएक और द्वितीय राष्ट्रकूट नरेश खोटिक के बीच में जो भी युद्ध हुआ था उसकी जानकारी का एक अन्य जगह भी देखने को मिलती है उदयपुर के लेख में, और इस लेख में इस संघर्ष के बारे में बहुत ही काव्यात्मक ढंग से वर्णन देखने को मिलता है। कहा जाता है कि सीएक की तुलना एक गरुड़ से की गई है। उस गरुड़ से तुलना करते हुए बताया गया है कि खोटिक की लक्ष्मी को युद्ध में छीन लिया गया। खोडिक की जो लक्ष्मी थी, यानी कि खोडिक के राज्य में जो भी चीज़ें मूल्यवान चीज़ें थी, यहाँ तक कि उनके अभिलेख भी, वो सीएक के द्वारा ले लिया गया, छीन लिया गया। और इस विजय के बाद ही परमार का राज्य जो है दक्षिणी सीमा जो कि ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी तक जा पहुँची थी, और सीएक ने अपने आप को एक बहुत ही शक्तिशाली, प्रतिभावान और साम्राज्यवादी नीति का प्रवर्तक शासक के रूप में सिद्ध किया। और ये वही पहला शासक था जिन्होंने कि परमार शासन वंश की सुदृढ़ आधारशिला प्रस्तुत की। इसके बाद आते हैं वाक्यपति मुंज। वाक्यपति मुंज को इस वंश का
वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इनका समयकाल माना जाता है करीब करीब 972 से लेकर के 994 एडी तक। इनके समय में सबसे खास बात यह हुई कि इनकी इनका भी संघर्ष काफ़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश के साथ हुआ था, चालुक्य वंशी तैलप द्वितीय के साथ। लेकिन पहले देखते हैं मुंज की शुरुआत कैसे हुई। कहा जाता है कि मुंज श्रीहर्ष के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र का मतलब वह कि उनके जैविक पुत्र नहीं थे, गोद लिए हुए पुत्र थे। इसके बारे में बताया जाता है कि वाक्यपति मुंज जो पहले श्रीहर्ष यानी कि सीयक जो थे उन्हें कोई पुत्र नहीं था। तो जब वो एक दिन वो टहल रहे थे तो मुंज घास, मुंज का जो घास होता है वहीं पर एक बच्चा पड़ा हुआ मिला, नवजात शिशु मिला। तो सीयक ने क्या किया कि उस नवजात शिशु को उठा लिया और अपने घर ले आए और बाद में उसका नाम रख दिया गया वाक्यपति मुंज। वाक्यपति मुंज का एक और नाम है उत्पलराज। और इन सारी जो कथाएं हैं इसका चर्चा हमें प्रबंध चिंतामणि में मिलता है। प्रबंध चिंतामणि में यह भी कहा गया है कि जब सीएक ने वाक्पति मुंज को अपने घर ले आए, उनकी परवरिश की, तो उसके कुछ समय के बाद उनकी पत्नी से उन्हें एक और संतान हुई और उसका नाम बाद में रखा गया सिंधुराज। यानी कि सिंधुराज और वाक्पति मुंज दोनों भाई थे लेकिन अपने जैविक भाई नहीं थे। वो मुंज वाली घास वाली जो बात हुई है कि मुंज में परे रहने से उनका नाम मुंज रखा गया, लेकिन बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है, ये इस बात को सारे विद्वान एक साथ स्वीकार नहीं करते। लेकिन सीयक ने अपने राज्य काल में ही अपना उत्तराधिकारी वाक्पति मुंज को घोषित कर दिया गया था। कुछ अन्य विद्वान हैं जिन्होंने कि कहा है इस मुंज राज के नाम के बारे में बताया है कि मुंजराज का नाम व्याख्या ढूंढने के उद्देश्य से इसका सृजन किया गया था। यानी कि अगर उन इन विद्वानों का मानना है कि अगर मुंजराज की बात करें तो मुंज का जो घास है उसके साथ इसके संबंधों को दर्शाने के लिए ही इस कहानी का सृजन किया गया था। बाद के समय में वाक्पति मुंज एक बहुत ही शक्तिशाली राजा के रूप में उभर कर सामने आता है। उसने अपने साम्राज्य को विस्तार किया, अपने पिता के द्वारा दिए गए साम्राज्य की सिर्फ रक्षा ही नहीं की बल्कि उसके साम्राज्य को बढ़ाया भी। मुंज ने कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को हराकर उसकी राजधानी त्रिपुरी को लूटा था। उदयपुर का जो लेख है उसमें इसका साफ साफ वर्णन दिया गया है और ऐसा बताया गया है कि मुंज त्रिपुरी पर अधिक समय तक अधिकार नहीं रख पाया था। उसने क्या किया था, कलचुरी राज्य से संधि करके वापस अपने राज्य वापस लौट आया था। हूनों ने उसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली थी और उसकी अधीनता स्वीकार कर इसमें मालवा के क्षेत्र को सम्मिलित कर दिया गया था। इसके अलावे मुंज ने क्या किया, हूनों पर जब अधिकार कर लिया तो उसके अलावे इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, ग्राम, ग्राम का नाम है वनिका। वनिका नाम का जो ग्राम है उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था और कहा था कि उनसे जो भी उपजाऊ भूमि से जो भी कुछ उत्पादन होता है तो उसका खर्च, उसका राजस्व मुंज के पास नहीं जाएगा बल्कि ब्राह्मणों के भरण पोषण और उनके मंदिरों के उत्कर्ष के लिए ही यूज किया जाएगा। हुन के क्षेत्र पर भी अधिकार स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है। इस प्रकार उसने मेवाड़ की गुहिल वंशी शासक शक्ति कुमार को हरा कर उसकी राजधानी आघाट को लूटा। इसके पहले किसको लूटा था, इसके पहले अगर हम लोग देखें तो त्रिपुरी को लूटा गया था। वाक्पति मुंज ने सबसे पहले त्रिपुरी को लूटा और उसके बाद दूसरा जगह आता है आघाट, जो आघाट जो कि उदयपुर में स्थित है उस शहर को लूटा। राजकूट वंशी धवल के बीजापुर अभिलेख से पता चलता है कि गुहिल नरेश भागकर धवल के दरबार में शरण ली। इस युद्ध में गुर्जर वंश का कोई भी शक्तिशाली राजकुमार नहीं आया और किसी ने भी शक्ति कुमार की मदद नहीं की, लेकिन वह मुंज के द्वारा पराजित किया गया। मुंज के बारे में बात करें तो इन दोनों में तो सफलता मिल गई लेकिन वाक्पति मुंज की एक जगह पराजय भी देखने को मिलता है। दशरथ शर्मा जो कि बहुत बड़े इतिहासकार हैं और एच सी राय ने इसे चालुक्य नरेश मूल राज मानते हैं, यानी कि शक्ति कुमार को चालुक्य नरेश मूल राज के नाम से मानते हैं। मजुमदार और भाटिया की बात करें तो वह कन्नौज के प्रतिधारों का कोई सामंत था और नंडुल के चौहानों से भी उसका युद्ध हुआ था। नंडुल के चौहानों से वाक्पति मुंज का युद्ध हुआ था। चौहान शासक बालीराज को हराकर उसने क्या किया था,
उसने आपू पर्वत और जोधपुर के दक्षिण भाग को चौहान शासक बालीराज से छीन लिया था, उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। इसके अलावा पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में एक राज्य था लाट, लाट पे भी विजय हासिल की, और इसमें लाट प्रदेश पर कल्याणी के जो चालुक्य थे उनका अधिकार था, और उसमें समकालीन समय में तैलब द्वितीय जो कि बहुत ही बड़े प्रतिभावान व्यक्ति थे उनका अधिकार हो रहा था। तो तैलब द्वितीय का एक सामंत था, उनका नाम था वारप, और उसका बेटा था गोगीराज। गोगीराज इन दोनों ये दोनों लोग लाट प्रदेश पर तैलब द्वितीय के सामंत के रूप में शासन कर रहे थे, लेकिन बाद मुंज ने क्या किया कि वाकपति मुंज ने वारप को पराजित कर दिया, युद्ध किया और उसमें पराजित हो गया। तो इससे क्या फल निकलता है कि चालुक्य नरेश तैल उसका संघर्ष छिल गया वाकपति मुंज के साथ, और कहा जाता है वाकपति मुंज ने पूरी तैलब द्वितीय ने पूरी 6 बार मुंज के ऊपर आक्रमण किया और हमेशा ही उसे हार ही मिला, कभी वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन सातवें बार में क्या होता है कि मुंज ने तैलब द्वितीय के ऊपर आक्रमण कर दिया था, आक्रमण नहीं किया था बल्कि उन्होंने क्या किया था कि अपना मुंज का जो एक सेनापति था, मुंज के सेनापति का नाम था रुद्रादित्य। रुद्रादित्य ने मना किया था अपने शासक को, अपने मुंज को, कि वह तैलब के ऊपर अब आक्रमण ना करे, अकेले उसके पास ना जाए। लेकिन वाकपति मुंज अपने सेनापति की बात ना सुनते हुए उन्होंने क्या किया कि गोदावरी नदी को अकेले ही पार किया और तैलब के ऊपर आक्रमण कर दिया। तैलब द्वितीय उस समय बहुत ही अच्छे पोजीशन में था क्योंकि उसके सैनिक तैयार अवस्था में थे, और उन्होंने जब देखा कि मुंज अकेले ही आए हैं तो उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और बंदी बना लिया। बंदी बना करके तैलब द्वितीय उसे अपने राज्य ले गए और बंदी गृह में डाल दिया। और उस बंदी गृह के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि तैलब द्वितीय ने अपनी एक बहुत ही बड़ी विधवा बहन को वहाँ का उस बंदी गृह का निगरानी के लिए रखा था। लेकिन इसके बारे में भी कहानी है, इसके बारे में बताया जाता है कि वाकपति मुंज जो है तैलब द्वितीय की बहन को अपने भागने की योजना बता दिया, क्योंकि ये खुद वाकपति मुंज खुद ही एक विद्वान थे तो उन्होंने उस बंदी गृह से भागने की योजना बनाई, और प्रेमवश में आकर उन्होंने क्या किया कि तैलब द्वितीय की बहन को उस योजना की जानकारी दे दी, और तैलब द्वितीय की बहन ने अपने भाई को इस बारे में बता दिया। कहा जाता है कि वाकपति मुंज को उस समय काफ़ी ज़्यादा यातनाओं का सामना करना पड़ा, और जब तैलब द्वितीय ने दिया कि अब उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है यातनाएं सहने में, तो फिर उसका गला काट दिया और उसे मार दिया। प्रबंध चिंतामणि की बात करें तो उसमें बताया गया है कि मुंज ने 6 बार आक्रमण किया था और तैलब की सेनाओं को पराजित किया था। क्योंकि इसमें वाकपति मुंज की दूरदृष्टि का को आघात पहुंचता है, उन्होंने क्या उत्तेजनावश में आकर के जो अकेले ही वे चले गए थे तैलब द्वितीय के साथ युद्ध करने के लिए, तो वे सामने वाले जो शत्रु थे उसका वास्तविक अंदाज़ा नहीं लगा पाए, उसकी शक्ति का वास्तविक अंदाज़ा नहीं लगाया, और क्या हुआ उनकी मृत्यु हो गई। बाद में तैलब ने क्या किया, नर्मदा नदी तक परमार के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया, यानी कि परमारों की पूरी राज्य पर तो नहीं लेकिन कुछ क्षेत्रों पर तैलब का अधिकार हो गया। प्रबंध चिंतामणि की बात करें तो इसके अलावा कैथम और गडग में भी चालुक्यों से तैल के द्वारा मुंज के वध की जानकारी मिलती है, और इस प्रकार देखने को मिलता है कि उसका जो अंत हुआ वाकपति मुंज का अंत बहुत ही दुखद हुआ था। विजेता सिर्फ मुंज सिर्फ एक विजेता ही नहीं बल्कि एक उच्च कोटि का सवि था, विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में उसके राज दरबार में पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुध, अमित गति जैसे विद्वान रहा करते थे। पद्मगुप्त उसकी विद्वता एवं विद्या के प्रति आघात प्रेम की चर्चा करते हुए बतलाते हैं कि विक्रमादित्य के चले जाने तथा सातवाहन के अस्त हो जाने पर सरस्वती को कवियों के मित्र मुंज के यहाँ ही आश्रय प्राप्त हुआ था। यानी कि इस तरह से देखें तो पद्मगुप्त ने अपने सम्राट की बहुत भूति भूति प्रशंसा की है, जिसके अनुसार कि मुंज ने बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण करवाए थे, बहुत सारे मंदिर, सरोवर आदि। उसने मुंज सागर एक प्रसिद्ध तालाब का निर्माण करवाया था और गुजरात में मुंजपुर नामक नगर की स्थापना करवाई थी। ये दोनों ही चीज़ें उसके नाम के ऊपर आधारित थे।
मंदिरों के निर्माण तो उसने कई जगहों पे करवाए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं उज्जैन, धर्मपुरी, महेश्वर आदि जगहों पर। इस प्रकार से देखें तो हम देखते हैं कि मुंज जो है वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, और उन्होंने इस बारे में काफ़ी सारी उपाधियां भी धारण की थी, जैसे कि श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष आदि उपाधियां धारण की गई थी वाकपति मुंज के द्वारा। अब आते हैं उनके बाद सिंधोराज। चूंकि वाकपति मुंज का कोई भी अपना पुत्र नहीं था, तो उनके जाने के बाद सिंधुराज, जो कि उनका छोटा भाई था, वो शासक बना। उसने भी उपाधियां धारण की थी, जैसे कि कुमार नारायण और सहसांग की उपाधियां धारण की थी। वह भी अपने भाई की तरह बहुत ही महान विजेता और साम्राज्य निर्माता था, और अपने राजा बनने के बाद उसने सबसे पहले जो विजय अभियान किया उसका एक ही मतलब था। उसने अपने राज्य की जो प्रतिष्ठा थी, जो थोड़ा बहुत धूमिल पड़ रही थी, उसको वापस प्राप्त करने के लिए बहुत सारे युद्ध किए। उसने सबसे पहला काम किया था कल्याणी के चालुक्य के साथ अपने विजित क्षेत्रों को वापस लाने के लिए। उसने मुंज को हराकर जब तैलक ने उसके कुछ पश्चिमी भागों को अपना लिया था, अधिकार क्षेत्र में कर लिया था, सिंधु ने वापस कल्याणी के चालुक्यों के ऊपर आक्रमण किया और अपने पुराने क्षेत्रों को वापस अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसका एक समकालीन चालुक्य नरेश था, सत्याश्रय के साथ ही सिंधु राज्य का युद्ध हुआ था। नवसहसांग चरित में भी पता चलता है कि सिंधु राज ने कुंतलेश्वर द्वारा अधिगृहित अपने राज्य को तलवार के बल पर पुनः अपने अधिकार में किया। तलवार के बल पर जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उससे उसका मतलब युद्ध या संघर्ष से होता है, और कुंतलेश्वर का मतलब यहाँ पर सत्याश्रय से, यानी कि सत्याश्रय का एक और नाम देखने को मिलता है जिसे कि कुंतलेश्वर कहते हैं। उसके बाद इस पहली विजय सफलता के बाद उसका बहुत सारा विजय का कार्य प्रारंभ हो गया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसकी शुरुआत हो गई, और इन सब की सूचना हमें पद्मगुप्त देता है। पद्मगुप्त जो कि एक राजकवि था, उनके जितने भी ग्रंथ हुए हैं उसमें क्रॉनिकल ऑर्डर में एक के बाद एक शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। वह उसे कोसल, लाट, अपरांत और मुरल का विजेता बताता है, मतलब कि इन क्षेत्रों के ऊपर सिंधु राज ने अपना कब्जा कर लिया था। यहाँ कोसल में तात्पर्य दक्षिणी कोसल से है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर या फिर जिसे बिलासपुर का क्षेत्र कह ले, उस वहां पर स्थित था। लाट प्रदेश गुजरात में, जहाँ कल्याणी के चालुक्य सामंत गोगी राज शासन कर रहा था, उसने उस पर आक्रमण करके परास्त किया, और वहीं से अपरांत, अपरांत मतलब कि कोक्कण के विजय की आधारशिला रखी। यहाँ पर शिलाहार वंश का शासक हुआ करता था, कोकण जो राज्य था वहाँ पर शिलाहार वंश का शासन था, लेकिन शिलाहारों ने युद्ध किए बिना ही उसकी अधीनता मान ली थी, और कहा जाता है कि इसमें शिलाहारों के जो जो शासक थे मुरल, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, और संभवतः ये जो है ना अपरांत और केरल के बीच का क्षेत्र था। बस्तर राज्य के नलवंशी शासक ने वज्र के अनार्य शासक वज्रकुश के विरुद्ध सिंधु राज से सहायता की याचना की थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सिंधु राज ने विद्याधरा को साथ लेकर गोदावरी नदी पार किया और अनार्य शासक के राज्य में जाकर उसकी हत्या कर दी। किसी के राज्य में घुसकर उसकी हत्या कर देने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होना। अनुग्रहित नाग शासक ने सिंधु राज्य के साथ अपनी कन्या शशि प्रभा का विवाह कर दिया। वैवाहिक संबंध कायम होने का एक ही कारण रहता है, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना, और विजय जो शासक विजय रहे हैं उनके द्वारा अपना राज्य राज्य को सुरक्षा देना। विद्याधर थाना जिले के शिलाहार थे, जिनके शासक थे अपराजित, जो वो थे अपराजित लेकिन हो गए थे पराजित। उत्तर की ओर उसने होन मंडल के शासक को हराया था, और इसकी जानकारी हमें उदयपुर के लेख नहसानसक चरित दोनों में मिलता है, और ऐसा बताया गया है कि सिंधु राज ने हूनों को पूर्ण रूपेण से खत्म कर दिया था, उनका पतन कर दिया था, और ऐसा पतन किया था कि बाद में वो उठ के खड़ा ना हो पाए। इसी समय क्या होता है कि वाडक के परमार सामंत चंडप ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था, लेकिन सिंधु राज ने उसके विद्रोह को शांत कर दिया।
गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम के पुत्र चामुंड राय के हाथों सिंधु राज्य को पराजित होना पड़ा। ये इसकी प्रथम ऐसा समय था जब सिंधु राज्य पराजित होता है, क्योंकि जब से इसने शासन व्यवस्था कायम किया था, शासक बना था, तब से लेकर के इसे लगातार विजय सफलता ही मिलती जा रही थी, लेकिन चामुंड राय ने इन्हें अब पराजित किया था। जय सिंह सूरी के द्वारा लिखा गया है कुमार भोपाल चरित और वाडनगर के लेख, इन दोनों जगहों पर भी इस पराजय का स्वरूप देखने को मिलता है। और ऐसा बताया जाता है कि सिंधु राज को पराजित हो जाने के बाद युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान भी बचानी पड़ी थी, लेकिन इस असफलता के बाद भी वह एक योग्य शासक था जिसने अपने भाई मुंज के काल में लुप्त हुए परमार वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था। जाहिर सी बात है, भाई मुंज वाकपति मुंज जो थे, जिन्होंने कि अपने प्राणों के साथ साथ साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों को भी खो दिया था, तो उसे वापस लाने का काम तो सिंधु राज ने ही किया। सिंधुराज की मृत्यु 1000 ईस्वी के लगभग में हो गई। और उसके बाद आता है नंबर भोज का, परमार भोज भी इस वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के रूप में माना जाता है। उसके समय में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। भोज के शासन काल के बारे में बात करें तो इन्होंने करीब करीब 1000 से लेकर के 1055 ईस्वी तक शासक के रूप में काम किया था। और उन्हें एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है कविराज और भोज इनकी उपाधियां थी, इनका अपना नाम था। भोज के शासनकाल की जो सूचना देने के लिए 8 अभिलेखों का जानकारी मिलती है, 8 अभिलेखों के द्वारा उसकी जानकारी मिलती है, जो कि 1011 ईस्वी से लेकर के 1046 ईस्वी तक के हैं। उदयपुर प्रशस्ति की बात करें तो उसमें भोज की राजनीतिक उपलब्धियों की चर्चा मिलती है। उसमें बताया गया है कि उसने चेदेश्वर, इंद्ररथ, तुगल, राजा भीम, कर्नाट, लाट और गुर्जर के राजा तुर्कों आदि को पराजित किया था। मेरुतंग के बारे में बात करें तो उन्होंने भोज के बारे में क्या क्या है। मेरुतंग के द्वारा जो प्रबंध चिंतामणि लिखा गया उसमें उसने कहा है कि भोज ने चालुक्य नरेश भीम पर आक्रमण करके उसके राजधानी अनहिलवाड़ा को लूटा था। चालुक्य नरेश भीम जो थे, जिनकी की राजधानी तत्कालीन राजधानी थी अनहिलवाड़ा, उसमें लूटपाट मचाया और कल्याणी के चालुक्यों की के साथ साथ अनहिलवाड़ा के चालुक्यों को भी हराया था। भोज के बारे में भोज चूंकि इस वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण राजा के रूप में जानते हैं, इतनी सारी विजयों के बाद भी उन्हें विद्याधर जो कि चंदेल शासक थे, विद्याधर से पराजय का मुंह सामना करना पड़ा था। क्योंकि इनका जो समय काल था, अगर देखें तो भारत में 1000 से 1055 के बीच सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण महमूद गजनवी का माना जाता है। 1008 में जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था तो शाही वंश के एक शासक थे आनंदपाल ने भोज के यहाँ ही शरण ली थी और भोज ने गजनवी के खिलाफ उसे सैनिक सहायता भी प्रदान किया था। सबसे पहले तो भोज की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि उसने अपनी राजधानी उज्जैन के बाद धारा को परिवर्तित कर लिया था। अपने पिता और अपने दादा और बाबा की भांति वो भी बहुत ही बड़ा विद्वान था। भोज बहुत ही बड़ा विद्वान था और शिक्षा का प्रेमी था। उसने बहुत सारे विषयों पर 20 अलग अलग ग्रंथों का निर्माण किया था, जैसे कि चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य आदि पर 20 से ज़्यादा ग्रंथों का निर्माण करवाया था, जिसमें कि हर ग्रंथ अलग 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 विषयों से संबंधित है। जैसे कि हम बात करें आयुर्वेद सर्वस्व की बात करें तो ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। इसके अलावा समरांगन सूत्र स्थापत्य कला के से है। धारा नगरी का विस्तार करके भोज ने भोजशाला का भी निर्माण करवाया था। भोज चरित में बताया गया है कि भोज और चालुक्यों की जो शत्रुता थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये बहुत ही भयंकर संघर्ष के रूप में सामने आया था। और भोज के बारे में वहाँ के विद्वानों का क्या मत था, वहाँ के जो विद्वान थे उन्होंने बताया था कि
अधधारा निराधारा निरालंबी सरस्वती, मतलब इसका मतलब होता है कि अब विधवा विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गया, यानी कि जो विधवा विद्या का और विद्वानों का जो प्रश्रय देने वाला था, जो उनकी रक्षा करने वाला था, उनकी मृत्यु हो गई। भोज की मृत्यु पर विद्वानों में बहुत ही ज़्यादा शोक का काल चल रहा था। अब इस वंश के बारे में बात करें तो परमार वंश के युद्ध, परमार वंश के समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए और उन्हें कहाँ कहाँ विजया विजय हासिल हुए, उसके बारे में बात करते हैं। उसका सर्वप्रथम संघर्ष कल्याणी के चालुक्यों के साथ रहा, क्योंकि कल्याणी के जो चालुक्य थे उन उसके समकालीन थे। प्रारंभ में उसे कुछ सफलता भी मिली थी और गोदावरी नदी के आसपास का जो क्षेत्र रहा था उसे जीत भी लिया था। इस युद्ध में क्या हुआ था, त्रिपुरी के जो कलचुरी नरेश थे, कलचुरी नरेश का नाम था गांगेय देव विक्रमादित्य, और चोल नरेश राजेंद्र से भोज को सहायता प्राप्त हुई थी। गांगेय देव की बात करें तो ये अपने मध्य पूर्व मध्यकाल में एक ऐसे शासक थे जिन्होंने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, और चोल नरेश राजेंद्र की बात करें तो इन्होंने इन्हें तो गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि से नवाजा गया है। इन्होंने अपनी नौ शक्ति को इतना ज़्यादा बढ़ाया था कि कहा जाता है कि भारत को छोड़ करके अन्य 12 द्वीपों पर, 1200 द्वीपों पर इनका अधिकार हो गया था, जिनमें से कि वर्तमान समय में अगर देखें तो इंडोनेशिया, मलावा, इन सभी आइलैंड्स पर राजेंद्र का अधिकार था, और इन दोनों के परम मित्र के रूप में परमार जाने जाते हैं। कलवन लेख की बात करें तो कलवन लेख में बताया गया है कि भोज के सामंत यशोवर्मा का, भोज के जो सामंत थे यशोवर्मा, उनके द्वारा कलवन का लेख लिखा गया है, और इसमें बताया गया है कि परमारों ने कर्नाट, लाट और कोंकण को जीता था, उसे कर्नाट से होकर ही कोंकण को जीता था, जिसमें चालुक्य साम्राज्य के उत्तर का गोदावरी का समीपवर्ती कुछ क्षेत्रों पर अधिकार भी जम गया था। यानी कि साम्राज्य को बढ़ाने की दृष्टि से देखे तो उसने कर्नाट से होकर के कोंकण को भी जीत लिया था और अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। इसके अलावा बेलगांव का लेख, बेलगांव में बताया गया है कि वह भोज रूप कमल के लिए चंद्र के समान था। बहुत सारे लेखों की चर्चा हुई है, उसमें एक अन्य नाम है मिराज लेख। मिराज लेख में बताया गया है कि उसने कोंकण नरेश की संपत्ति छीन ली थी और कोल्हापुर के सैनिक शिविर में जाकर उत्तर भारत में विजय हासिल की थी। इसके लिए बहुत सारी योजनाओं को भी तैयार किया था, लेकिन चालुक्य नरेश जयसिंह ने उसे हरा दिया था। परमारों के हार की बात करें तो चालुक्य नरेश जयसिंह थे जिन्होंने कि उसे हराया था। भोज ने लाट के शासक कीर्तिराज के ऊपर भी आक्रमण किया था, वह पराजित भी हुआ और आत्मसमर्पण भी कर दिया। चूंकि भोज के सामंत यशो वर्मा के बारे में बात करें तो यशो वर्मा का जो कलवन है, कलवन से जो लेख प्राप्त हुए उसमें बताया गया है कि लाट प्रदेश पर उसने अपना अधिकार कायम कर लिया था, और इसके बारे में बात करें तो यह कह सकते हैं कि कीर्ति वर्मा को हटाकर भोज ने यशो वर्मा को लाट का शासक बनाया था। बताया जाता है कि वह भोज की ओर से नासिक में 1500 ग्रामों पर शासन कर रहा था। लाट को जीतने के बाद उसने कोंकण प्रदेश की विजय की और जहां शिलाहार वंश का शासन था, किंतु कोंकण पर उसकी विजय स्थायी नहीं हो पाई तथा शीघ्र ही चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय ने वहां अपना अधिकार कर लिया था। यानी कि अगर भोज की बात करें तो यशोवर्मा ने भोज, जो कि भोज का सामंत था, यशोवर्मा उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहरबान थे। उन्होंने क्या किया, नासिक के 1500 ग्राम पर यशोवर्मा को नियुक्त कर दिया, जो कि बहुत दिनों तक उसके सामंत के रूप में काम नहीं कर पाए। जय सिंह द्वितीय जो थे उन्होंने वापस उन 500 गांवों पर अपना अधिकार जमा लिया था। मिराज के लेख में बताया गया है कि कोंकण नरेश को पराजित करके उसने सारी संपत्ति छीन लिया था, और भोज ने उड़ीसा की भी विजय, यहाँ जो कि यहाँ का शासक था इंद्ररथ के ऊपर भी अपना राज्य कायम कर लिया था। इंद्ररथ की राजधानी थी आदिनगर में। इंद्ररथ का उल्लेख चोल शासक राजेंद्र के तिरुमलय लेख में मिलता है। उसने इस लेख में बताया है कि उसी के सहयोग से भोज ने इंद्ररथ को जीता था। उदयपुर और कलवन के लेखों से सूचना मिलती है कि भोज ने चेदी वंश के राजा को जीता था,
और यह पराजित गंगेय देव ही रहा होगा जो भोज का समकालीन था। पहले गंगेय देव और भोज के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे, लेकिन बाद के समय में उन लोगों में कटुता हो गई और बाद में गंगेय देव को हरा दिया गया। इसके अलावा उदयपुर के लेख में बताया गया है कि तुगल और तुरुस्क उसे भोज के द्वारा जीता गया था। कुछ विद्वानों से तात्पर्य है कि मुसलमानों की विजय लेते समय प्रतिपादित करते हैं कि भोज ने महमूद गजनवी के किसी सरदार को युद्ध में हराया था, लेकिन यह संदिग्ध है क्योंकि महमूद गजनवी इतना ज़्यादा पराक्रमी था कि वो जितनी बार भी आया भारत में उतनी बार जीत की और यहाँ से अतुल धन संपदा लेकर के ही वापस लौटा था। हो सकता है कि हुनों के विरुद्ध परमारों को सफलता हासिल हुई हो। इसके अलावा परमारों का संघर्ष चंदेलों के साथ भी हुआ, जिस समय भोज मालवा में अपने राज्य का विस्तार कर रहा था उसी समय बुंदेलखंड में चंदेल भी अपना राज्य विस्तार कर रहा था, और भोज का समकालीन सम्राट विद्याधर उससे बढ़कर महत्वाकांक्षी और पराक्रमी था, और विद्याधर ने चूंकि भोज को हराया भी था। ग्वालियर में उसे कछवाहा वंशी सामंत मिले, और ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि परमारों और इस वंश में दोनों में युद्ध अनिवार्य हो गया। जब भोज विद्याधर की बढ़ती हुई शक्ति से बहुत ज़्यादा डर गया तो उसने क्या किया कि उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, उसे संघर्ष कर लिया, लेकिन विद्याधर उससे भी ज़्यादा बड़ा शक्तिशाली राजा साबित हुआ। उसने परमारों को हरा दिया। चंदेल वंश का एक लेख है, उसमें बताया गया कि कलचुरी चंद्र तथा भोज विद्याधर की गुरु के समान पूजा करने के थे, मतलब कि उसने हार के बाद शायद उसे अपना गुरु मान लिया हो, लेकिन यह इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि भोज और विद्याधर के बीच जो सीधा संघर्ष हुआ था या नहीं, या फिर दोनों के बीच संघर्ष हुए बगैर ही परमारों ने विद्याधर का अधीनता स्वीकार कर लिया था। ग्वालियर के कछवाहा अभिलेख की बात करें तो महिपाल के सास बहु लेख में कछवाहा सामंत कीर्तिराज के बारे में बताया जाता है कि उसने भोज की सेनाओं को हराया था, लेकिन यह तभी पॉसिबल हो सकता है जबकि उसका स्वामी जो कि विद्याधर था, विद्याधर जैसा शक्तिशाली राजा अगर कीर्तिराज का साथ नहीं रहता तो भोज के साथ उसे पराजय ही मिलती, लेकिन चूंकि विद्याधर कीर्तिराज के साथ थे इसलिए कीर्तिराज ने भोज को हराया था। इसके अलावा आते हैं मालवा। मालवा के पश्चिमोत्तर में चौहानों का राज्य था और भोज का उनके साथ भी संघर्ष हुआ। पृथ्वीराज विजय से सूचना मिलती है कि भोज ने चौहान शासक वीरियाराम को पराजित किया था, यानी कि एक तरह से देखें तो इसमें देखने को मिलता है कि भोज ने कई सारे शासकों को पराजय दिया, किंतु वीरियाराम के उत्तराधिकारी जो थे चामुंड राय उसने पुनः शाकंभरी पर अधिकार कर लिया, और इस युद्ध में परमार के जो सेनापति थे उनका नाम था साढ़ उसे मार डाला। प्रबंध चिंतामणि की बात करें तो इसमें बताया गया है कि भोज ने चालुक्य नरेश भीम पर आक्रमण करने के लिए अपने जैन सेनानायक को भेजा था, और उसका नाम था कुलचंद्र। कुलचंद्र के नेतृत्व में उसने सेना भेजी थी, और इस समय भीम सिंध अभियान पर निकला हुआ था। कुलचंद्र ने उसकी राजधानी अनहिलवार को लूटा। इस प्रकार से अगर देखें तो भोज भी वाकपति मुंज और सिंधु राज की तरह, बल्कि कहे कि उससे ज़्यादा ही ज़्यादा काबिल निकले। वे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली राजा के रूप में जाना जा सकता है जिन्होंने कि एक विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की। भोज की पराजय तथा परमार सत्ता का अंत, भोज का अतिशय महत्वाकांक्षा एवं युद्ध प्रियता ही उसके पतन का कारण भी सिद्ध हुई। ऐसा माना जाता है कि जीवन के अंतिम दिनों में भोज अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सका, वे काफ़ी कमजोर हो गया और उसे भारी असफलताओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाने जाते, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने क्या किया कि भोज की राजधानी धारा पर आक्रमण कर दिया, और यहाँ पर भोज को पराजय होना पड़ा। भोज भाग खड़ा हुआ, इससे चालुक्यों को बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ गया। उसने उसकी जो राजधानी है धारा वहाँ काफ़ी ज़्यादा खून खराबा किया, लूटपाट मचाए। आक्रमणकारियों के बात करें तो कहा जाता है कि उन्होंने धारा नगरी को जला भी दिया था, पूरे धारा नगरी को जला दिया। और सोमेश्वर का जो ये विजय है इसकी जानकारी हमें नगाई लेख जो कि जिसका के समय काल माना जाता है 1058 से लेकर के
1058 ईस्वी के आसपास का बताया जाता है। विलहनकृत विक्रमांक देवचरित में भी इसके बारे में बताया जाता है, और इसमें बताया गया है कि भोज ने भागकर अपनी जान बचाई, यानी कि भोज उस समय काफ़ी कमज़ोर हो गया था और उसे पता चल गया था कि अब उसकी मृत्यु हो जाएगी अगर वो ना भागा। इसीलिए वो इतना इतना प्रतिभावान होने के बाद भी उसने भागने का सहारा लिया। आक्रमणकारियों के लौट जाने के बाद चूंकि भोज वापस आ गया था, और उसने क्या किया कि चालुक्य और चेदियों के अपनी ओर शामिल करके एक संघ का निर्माण कराया, और इसके बाद भोज की राजधानी पर और इसके बाद यहाँ भोज गलत लिखा है, यहाँ होगा, इसके बाद सोमेश्वर की राजधानी पर आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमण का नेता कलचुरी नरेश लक्ष्मीकरण था। भोज चिंता में बीमार पड़ गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरते ही कर्ण धारा पर टूट पहाड़ टूट पड़ा। उसके मरते ही कर्ण धारा ने क्या हुआ, भोज की बात करें तो भोज जब आक्रमणकारी वापस लौट गए, यानी कि सोमेश्वर जिन्होंने कि आक्रमण किया था, जब वो वापस चले गए तब भोज अपनी राजधानी वापस आ गए। उन्होंने अपने यहाँ पर शासन कायम किया, लेकिन अन्य जगह देखे तो चालुक्य और चेदियों इन दोनों ने भी मिलकर के भोज के विरुद्ध एक टोलियों का निर्माण किया, एक संघ बनाया, और इस संघ ने भोज की राजधानी जो कि उस समय धारा थी वहाँ पर आक्रमण कर दिया। इस संघ की बात करें तो इसका नेता था कलचुरी नरेश लक्ष्मीकरण। इस आक्रमण के कारण भोज बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गया, बहुत बीमार हो गया, और इसी दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई। उसके मरते ही क्या क्या हुआ, कर्ण को अच्छा मौका मिल गया, राज सिंहासन खाली हो गया, वह धारा नगरी पर टूट पड़ा, लूट मार मचाए, प्रचुर संपत्ति लिया और फिर उसे ध्वस्त करके चला गया। इस तरह से अगर देखें तो परमार साम्राज्य का अंत हो गया। भोज का अंत यद्यपि यही रहा था, और इसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भोज अपने अंतिम दिनों में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। क्योंकि इसके पूर्व के बारे में देखें तो भोज या तो फिर उसके अन्य पूर्वजों के समय में ये सभी के सभी पराक्रमी नरेश के रूप में जाने जाते। बाद के समय में भले ही वे पतन की ओर चले गए, वे कमज़ोर हो गए, लेकिन शुरुआती दौर में वे काफ़ी पराक्रमी नरेश के रूप में जाने जाते हैं। उसके जो उत्कर्ष के काल थे, उत्तर और दक्षिण की सभी शक्तियों ने उसका लोहा माना था। उसने परमार सत्ता को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। उदयपुर लेख में भोज की प्रशंसा करते हुए बताया गया है कि पुथु की तुलना करने वाले भोज ने कैलाश से मलय पर्वत तक तथा उदयाचल से अस्ताचल तक समस्त पृथ्वी पर शासन किया। यानी यहाँ पर देखें तो भोज का साम्राज्य दिखता है, उसका साम्राज्य था कैलाश के मलय पर्वत और विद्याचल के अस्ताचल तक। इन सभी क्षेत्रों के बीच का जो क्षेत्र था वो भोज के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। भोज ने अपने धनुष बाण से पृथ्वी के समस्त राजाओं को उखाड़ फेंका और विभिन्न दिशाओं में बिखेर दिया। पृथ्वी पर परम प्रीतिदाता बन गया। हमें पता चलता है कि भोज ने पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में गुजरात और लाट और दक्षिण में कोकण के क्षेत्र को जीता था। कन्नौज में उसकी सेनाएं हिमगिरी तक गई थी, और अतः प्रशस्ति युक्त उपर्युक्त विवरण से अतिशयोक्ति नहीं का, मतलब कि ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं वो उसके राज दरबारी कवियों के द्वारा बताई गई एक प्रशस्ति के रूप में है, जिसमें कि भोज की सिर्फ तारीफ ही की गई है, उसके जो विपरीत पक्ष है उसकी चर्चा नहीं किया गया है। तो इसे बहुत ज़्यादा प्रामाणिकता नहीं मिलती है। अब बात करते हैं इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। परमार वंश के बारे में कौन कौन सी सांस्कृतिक उपलब्धियां हुई। भारतीय इतिहास में भोज की ख्याति उसकी विद्वता, विद्वा और कला के उदार संरक्षक के रूप में जाना जाता है। उदयपुर लेख में तो बताया गया है कि सब कुछ साधा संपन्न दिया जाना जो किसी अन्य के द्वारा संभव नहीं था, वो सभी चीजें भोज ने परमार वंश को दिया। इससे अधिक कविराज भोज की प्रशंसा क्या हो सकती है, यानी कि भोज की प्रशंसा काफ़ी ज़्यादा की गई है। दूसरा है, उसने अपनी राजधानी धारानगर में स्थापित किया था। भोज ने स्थानांतरण किया था अपनी राजधानी का, पहले इसकी राजधानी उज्जैन में थी जो कि भोज ने बदलकर धारानगर में कर दिया। उसे विविध प्रकार से अलंकृत करवाया, यहाँ विद्या और कला का सुप्रसिद्ध केंद्र भी बनवाया, जहाँ की अनेक महल और मंदिर बनवाए गए,
और इन मंदिरों की बात करें तो सबसे प्रमुख सर्व प्रमुख मंदिर मिलता है सरस्वती मंदिर। क्योंकि सरस्वती मंदिर का अपना खास उपलब्धि है, अपना खास स्थान है। वह स्वयं भोज एक बड़ा विद्वान था और उसने कविराज की उपाधि ली थी। तो उसने क्या किया थे कि सारे विद्वानों को प्रश्रय दिया था और सरस्वती जी का मंदिर बनाया था। उसने ज्योतिष, काव्य शास्त्र, वास्तु आदि विषयों में महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी और धारा के सरस्वती मंदिर में एक सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना करवाई थी। यानी कि उसे इसे यह देखने को मिलता है कि मंदिर जो सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं था, बल्कि सामाजिक प्रगति के क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान था। उसकी राजसभा पंडितों और विद्वानों से अलंकृत थी। उसकी राजधानी धारा विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। आईने अकबरी जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, उसमें बताया गया है कि उसकी राजसभा में 500 विद्वान रहा करते थे। भोज की रचनाओं की बात करें तो सरस्वती, कर्णभरण, श्रृंग प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक, श्रृंगार मंजरी, भोज चंपू, युक्ति कल्पतरु, समरांग गण सूत्राधार, तत्व प्रकाश, शब्द अनुशासन, राजमृगांक आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये सभी पुस्तक ग्रंथ जो हैं वो अलग अलग विषयों से ताल्लुक रखते हैं। जो कि जहाँ इसमें देखें तो समरांग सूत्रधार जो है, समरांगन सूत्रधार, वो वास्तुशास्त्र के ग्रंथ माना जाता है। इसी इन सारे अलग अलग जो ग्रंथ हैं, इसकी रचना काव्यात्मक तरीके से हुई है। तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि भोज जो है एक उच्च कोटि का विद्वान था, जिन्होंने कि इतनी सारे विषयों पर अपनी पकड़ बनाई हुई थी। बताया जाता है कि भोज जो सबसे अच्छी कविता लिखते थे, विद्वानों को पुरस्कार दिया करता था। वह इतना बड़ा दानी था कि उसके नाम से यह अनुस्मृति चल पड़ी कि वह हर कवि को हर श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था। यह उसकी दानशीलता को की सूचना देता है, दानशीलता को प्रदर्शित करता है। उसके दरबारी कवियों और विद्वानों में भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र, धनपाल, इन सभी की ज़्यादा चर्चा देखने को मिलती है। वह विद्वानों को उसकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर बहुत सारी उपाधियाँ भी देता था। उसकी जब मृत्यु हो गई, चूँकि उस समय में विद्वान कौन थे, सामाजिक दृष्टि से देखें तो विद्वान ब्राह्मण ही हुआ करते थे, तो ब्राह्मणों को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने इस बारे में बताया, भोज की मृत्यु पर कहा कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए। निराश्रित का मतलब कि उन्हें उनका आश्रय छीन गया। भोज ने क्या किया था, भोपाल के दक्षिण पूर्व में 250 वर्ग मील लंबी एक झील का निर्माण करवाया था, जो आज के समय में भोजसर के नाम से फेमस है। यह परमारकालीन अभियांत्रिक कुशलता और कारीगरी का अद्भुत नमूना है। इसके अलावा धारा नगरी की बात करें तो धारा में सरस्वती के मंदिर जो थे, उसके ही पास उसने एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी, भोजपुर नगर की स्थापना करवाई थी, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया और मेवाड़ के नागौर क्षेत्र में भूमिदान किया था। इसके अलावा भी उसने बहुत सारी चीज़ें की थी, जैसे भूमिदान के क्षेत्र में मंदिरों के निर्माण, विद्वानों की उपाधियाँ, सामाजिक क्षेत्र में तालाब, झील, नगर, इन सब की स्थापना के क्षेत्र में। इस प्रकार कुल मिलाकर के अगर देखें तो भोज बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा का धनी था और वह अपने वंश का सबसे ज़्यादा यशस्वी सम्राट के रूप में माना जा सकता है। उसका शासनकाल राजनैतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत ही ज़्यादा चरमोत्कर्ष पे पहुँच चुका था। अब है परमार वंश की सत्ता का पतन। इस इतनी बड़ी जो सत्ता थी, उसका पतन कैसे हो गया, अचानक से तो नहीं हुआ, बल्कि उसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। भोज का चूंकि समयकाल देखे तो इसका समयकाल था 1010 ईस्वी से लेकर के करीब करीब 1060 ईस्वी तक का, 55-60 कहीं कहीं ये 1055 ईस्वी भी देखने को मिलता है। उसकी मृत्यु के साथ ही परमार वंश का गौरव का भी अंत हो गया और भोज के जो उत्तराधिकारी हुए वे लगभग लगभग 1500 ईस्वी तक स्थानीय शासक के रूप में कार्य करते रहे, जिसका कि कोई बहुत ज़्यादा महत्व देखने को नहीं मिल सकता है। भोज का बेटा हुआ जयसिंह प्रथम। जयसिंह प्रथम ने 1055 से लेकर के 1070 ईस्वी तक शासक के रूप में काम किया और इसने क्या किया कि धारा पर कलचुरी कर्ण और चालुक्य भीम प्रथम का अधिक इस समय चालुक्य भीम और कलचुरी कर्ण का धारा नगरी पर शासन था,
उसका शासन व्यवस्था चल रहा था। जयसिंह ने क्या किया, जयसिंह ने कल्याणी के नरेश सोमेश्वर प्रथम के बेटे विक्रमादित्य से सहायता ली और अपनी राजधानी को शत्रुओं से मुक्त करा लिया। यानी कि अपनी राजधानी जो कि धारा थी वहाँ से कलचूरी शासक कर्ण और चालुक्य शासक भीम प्रथम को हटा दिया। लेकिन जब कल्याणी के शासक सोमेश्वर द्वितीय आए तो स्थिति बदल गई। उन्होंने फिर से क्या किया, धारीनगरी को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। उसने कर्ण और कुछ अन्य राजाओं के साथ मिलकर मालवा पर अधिकार कर लिया था। इस युद्ध में जयसिंह की हार हुई थी और वह मार डाला गया था, यानी कि उसका अंत हो गया था। और बाद में उसकी राजधानी को भी ध्वस्त कर दिया गया और उदयादित्य को राजा बना दिया गया था। उदयादित्य जो जिसे कि सोमेश्वर का संरक्षण प्राप्त था उसे राजा बना दिया गया। सबसे पहले तो उसे कलचूरी कर्ण के विरुद्ध संघर्ष में सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में उसने मेवाड़ के गोहिलोत नाडोल शाकंभरी के चहमान वंशों की सहायता प्राप्त की और अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। इसके अलावा अगर देखें तो उदयादित्य कुछ समय तक शांतिपूर्वक शासन करता रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसे भी हटा दिया गया। उदयादित्य की बात करें तो उसने भिलसापुर के पास उदयपुर का नगर बसाया और नीलकंठ के मंदिरों का भी निर्माण करवाया। उदयादित्य के बाद उसका बेटा लक्ष्मण देव राजा बना। नागपुर में उदयादित्य का एक लेख मिलता है जिसमें कि उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया, लेकिन इसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिल दिया जाता है। इसकी प्रामाणिकता पर कुछ संदेह लगता है। यही समय था जबकि पालों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हो गई थी और इसका सबसे ज़्यादा फायदा लक्ष्मण देव ने बिहार और बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत करके उठाया था। उसने क्या किया कि कलचूरी नरेश यश कर्ण को भी युद्ध में पराजित कर दिया, लेकिन मुसलमानों के विरुद्ध उसे यह सफलता नहीं मिल पाई। महमूद गजनवी ने उज्जैन पर अधिकार जमा लिया था। लक्ष्मण देव के बाद उसका छोटा भाई नरवर्मा राजा बनता है और इसका शासन काल माना जाता है 1094 से लेकर के 1113 ईस्वी तक। वह अपने समय का निर्बल शासक था जो कि अपने साम्राज्य को भी सुरक्षित नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी बात करें तो वह स्वयं एक विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता के रूप में जाना जाता है। निर्माण कार्यों में उसने रुचि ली, थोड़े बहुत मंदिर और तालाब बनवाए। उसने निर्वाण नारायण की उपाधि धारण की थी। राजनीतिक मोर्चे में उसे बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली और पूर्वी के चंदेल शासक मदन वर्मा ने भिलसा क्षेत्र पर परमार राज्य पर अधिकार कर लिया था बाद के समय में। इसके बाद देखें तो उत्तर पश्चिम में चहमान शासक अजय राज और उसका बेटा अर्नो राज ने नर वर्मा को हराया। अनहिलवाड़ के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने कई बार आक्रमण किया और लास्ट में जाकर नरवर्मा का हार हो जाता है। नरवर्मा के बाद उसका बेटा यशोवर्मा आता है। यशोवर्मा का शासन काल माना जाता है 1133 से 1142 ईस्वी तक। उसके समय में क्या हुआ, चालुक्यों के आक्रमण के कारण मालवा की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। यशोवर्मन अपने साम्राज्य को व्यवस्थित नहीं रख पाया और साम्राज्य बिखरता गया। भिलसा का क्षेत्र पर भी चंदेल शासक मदन वर्मा ने अधिकार कर लिया था। अब अगर चालुक्यों की बात करें तो चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज आते हैं सामने। जयसिंह सिद्धराज ने क्या किया, नाडोल के चहमान राजा जिनका कि नाम था आसाराज, उसके साथ मिलकर मालवा पर आक्रमण कर दिया। दोनों के सम्मिलित शक्तियों का यशोवर्मा सामना नहीं कर पाया और यशोवर्मा को बंदी बना लिया गया। उसके बाद मालवा पर जयसिंह का अधिकार हो गया। जयसिंह ने उस विजय से खुश होकर के एक उपाधि भी धारण कर ली जिसे कहते हैं अवंतीनाथ। यशोवर्मा के साथ उसके अंतिम दिनों में क्या हुआ इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कि उसे बंदी बना करके रखा गया और बंदी गृह में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका बेटा आता है जयवर्मन। जयवर्मन जयसिंह के शासनकाल के अंत में मालवा का उद्धार करने में सफल हुआ, लेकिन उसका शासनकाल भी बहुत ही कम समय के लिए रहा। कहा जाता है कि कल्याणी के चालुक्य शासक जगदेकमल और होयसल शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने दोनों ने मिलकर के मालवा पर आक्रमण कर दिया गया और उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया तथा अपनी ओर से बल्लाल को वहां का राजा बना दिया गया। इस तरह से देखें तो सम्मिलित शक्तियों का जो आक्रमण निरंतर आक्रमण होता जा रहा है हर उत्तराधिकारी के समय काल में, तो उससे परमारों को उभरने का मौका नहीं मिल रहा है, उसे अपनी शक्तियों को पुनः इकट्ठा करने का मौका नहीं दिया जा रहा है।
इसके अलावा 1143 की बात करें तो 1143 के बाद जयसिंह का एक उत्तराधिकारी आता है कुमारपाल। कुमारपाल ने क्या किया कि बल्लाल को हटा दिया, बल्लाल को उसकी गद्दी से हटा दिया, जिसे कि पहले पहले शासक के रूप में वहाँ नियुक्त कर दिया गया था, उसे कुमारपाल ने हटा दिया। और भिलसा और मालवा के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। लगभग 20 वर्षों तक, कहा जाता है कि 20 साल तक मालवा गुजरात का ही अंग बना रहा। और इसी बीच वहाँ महाकुमार उपाधिकारी कुछ राजकुमार शासन करते रहे जो अर्ध स्वतंत्र रहे हैं, क्योंकि बाद के शासकों में तो ज़्यादातर जितने शासक देखने को मिलते हैं वे सभी अधीनता ही स्वीकार कर चुके होते हैं। मतलब कि बाहर की जो शक्तियाँ आती हैं, सम्मिलित शक्तियाँ आती है, उसके कारण कमजोर स्थिति के कारण जो बड़ी शक्तियाँ रहती है उसके अधीन वे सामंत के रूप में शासक के रूप में काम करने को राजी हो जाते हैं। 1175 से लेकर के 1195 के बीच क्या होता है, 1195 के बीच की जो अवधि रहती है उसमें विंध्य वर्मन, जो कि जय वर्मन का बेटा होता है, उसे मूलराज द्वितीय को हरा देता है। उसने मूलराज द्वितीय को हरा कर मालवा पर अधिकार कर लिया था, लेकिन यह इस छोटी सी विजय उसके पूरे वंश के जो प्रतिष्ठा थी उसे वापस लाने का काम नहीं कर सकी, और वो भी कुछ दिनों के बाद खत्म हो गया। फिर उसका बेटा आता है सुभट वर्मन। सुभट वर्मन थोड़ा सा शक्तिशाली राजा था और उसने गुजरात पर आक्रमण करके चालुक्यों को लाट के सामंत सिंह को अपनी अधीनता मनमाने के लिए विवश किया था। नेक्स्ट है डभोई। डभोई तथा कांबे में जैन मंदिरों को उसने लूटा, अनिलवार को आक्रांत किया तथा सेना के साथ सोमनाथ तक बढ़ गया, सोमनाथ जो कि गुजरात के आसपास है। लेकिन भीम के मंत्री लवन प्रसाद ने उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया और यादव जौतुगी ने भी सुभट वर्मन को पराजित कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो परमारों ने बाद के समय में अपनी शक्ति को पुनः स्थापित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन समय उस तरह से नहीं हो पाया कि वे अपने आप को फिर से शासक वर्ग के रूप में स्टैब्लिश कर सके। उसके बाद उसका बेटा आता है अर्जुन वर्मन। अर्जुन वर्मन मालवा का राजा बनता है। उसने गुजरात के जयसिंह को पराजित किया तो इसके बदले में और उसकी कन्या से विवाह भी किया, क्योंकि पराजय के बाद अगर संधि भी होगी तो उसी में उसकी बेटी से शादी कर लिया गया। लेकिन यादव वंशी सिंघन ने उसे हरा दिया, यानी कि अर्जुन वर्मन। उसके बाद आते हैं अर्जुन वर्मन की ही बात करें तो अर्जुन वर्मन विद्या और कला का प्रेमी था, खुद ही बहुत बड़ा विद्वान था। उसने मदन और आसाराम जैसे विद्वान को अपने राजदरबार में रखा था। अर्जुन वर्मन के बाद क्रमशः देवपाल, जौतुगी देव, जयवर्मन द्वितीय और बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हुए जिसके शासनकाल में कोई विशेष उपलब्धि देखने को नहीं मिलती है। इस तरह से परमार वंश और उसका जो गौरव है वो धीरे धीरे करके क्रमिक पतन हो गया इन सभी चीज़ों का। सबसे अंत में क्या होता है, 1305 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी मरवा को जीतकर वहाँ मुस्लिम शासक की स्थापना कर लेता है, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण होता है 1305 ईस्वी में, तो उसने क्या हुआ, उसने वहाँ के शासक को मार दिया, मरवा दिया और वहाँ पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी। इस तरह से परमार वंश का पूरी तरह से अंत हो जाता है। तो हम देखते हैं कि परमारों का जो उत्कर्ष हुआ उसके राज्य में, उसके शासनकाल में काफ़ी सारे शासक भी आए जिन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित किया। सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में देखने को मिलता है, क्योंकि इसके जो ज़्यादातर शासक वर्ग हुए वे विद्वान ही हुए, कला और संस्कृति के प्रेमी हुए। तो इस क्षेत्र में अगर कहा जाए तो परमारों के समय में कला और संस्कृति का अपना एक अलग उत्कर्ष देखने को मिलता है। लेकिन वही राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो राजनीतिक दृष्टि से बाद के शासकों में वो योग्यता नहीं रहती है कि अपने साम्राज्य को वो पूरी तरह से संभाल सके और विस्तार कर सके, और धीरे धीरे के बाहर के कुछ शक्तियों के कारण उनका क्रमिक पतन हो जाता है। तो ये था आज का परमार वंश। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।